इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मैं कब से सोच रहा हूँ तुम मुझे फोन करके कब मुबारकबाद दोगे, लेकिन तुम जिंदगी में एक दफा फिर बहुत मेहरबान दिखी। कोई बात नहीं, मैं तो मुबारकबाद दूंगा तुम्हें भाई, आखिर तुम्हारी भी बहन की खुशी है। तुम तो बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, इसलिए कोई खास टाइम की उम्मीद ना रखना मुझसे। उम्मीद अपनों से लगाई जाती है हमसे, गैरों से मुकाबला किया जाता है। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। ये थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। हाँ वो क्या हुआ है आपको, आप किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, सब ठीक तो है? अंकल अगर कोई टेंशन है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अंकल 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 आप ठीक है? हाँ मैं दवाई नहीं दवाई नहीं, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अंकल उठे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गुंजाइश में नहीं है अब दवाई को। प्लीज आप चाहें तो आप प्रोफेसर को फोन करके बता सकते हैं मेरे फोन से कि आपके साथ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, उनके पास चाबी है वो चले जाएंगे, परेशान होंगे पता चलेगा। ये करीबी क्लिनिक है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उनसे पहले हम। मुझे हमेशा खांसी लग जाती है, ठंड ठंड लग रही। अच्छा अम्मी वो आंटी ताहिरा का मूड क्यों खराब हो गया था हमारी शादियों को सुन के? वो इसलिए कि वो उम्मीदें लगाए बैठी थी अपने छोटे देवर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। क्या वो मैला मेरे रिश्ते के लिए? अम्मी वो गलियों में बाइकें घुमाता रहता है और मैंने उसको एक दफा गली में सिगरेट पीते हुए देखा था कोने में छुप के। अच्छा चलो चले वापस। क्या हो गया रूमी? रूमी अम्मी वो निकम्मे के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे, मैं जरा तबीयत तो साफ करके आऊं ना। रुको क्यों तमाशा करती हो, घर चलो तुम्हारे अब्बू बैठे हैं उनको जाकर खाना देना है। तमाशा तो नहीं बना रही हूँ मैं अम्मी। अब ऊपर कमरे में नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चले गए? फोन करो जरा चेक करो कहाँ है। तुम क्या कर रही हो? लिपस्टिक का निशान ढूंढ रही हूँ। क्या दो कप पड़े हैं? क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे कोई आया था या आई थी जिसके लिए अब्बू ने चाय बनाई है, और अगर अम्मी इस पे हल्का सा भी लिपस्टिक का निशान मिल गया ना, इसका मतलब है आपका टाइम आ गया,
सामान पैक करके इस घर से जाने का। मम्मी फजूल बातें मत करो, मम्मी नहीं उठा रहे। तो क्या हुआ, तुम भी तो फोन नहीं उठाती ना, कौन सी बड़ी बात है? दोबारा करो बेटा, एटलीस्ट ये तो पता है ना कि अकेले नहीं गए, किसी के साथ गए। टेंशन नहीं लो यार, मैं ना तब तक किचन में इन्वेस्टिगेशन करके आती हूँ। मेरे ख्याल ये लोग आ गए हैं बेटा, इन्हें कहिएगा नहीं कि हम क्लिनिक गए थे और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आगे सब खैरियत से माशाल्लाह? जी। आप दोनों किधर घूम रहे थे? कुछ नहीं बेटा जी, वो हम दोनों जरा लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर के पास गए थे हम, इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई था। कह रहे थे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सदीकी साहब, हद करते हैं यार आप। इंसान एक फोन करके बता देता है कि तबियत खराब हो गई है, हमको तो दूसरे शहर चले गए थे, लेकिन नहीं, आपने तो तबियत को सीरियस लेना ही नहीं है। हाँ, जिंदगी मजाक है ना आपके लिए? आराम आपने नहीं करना, तबियत को सीरियस आपने लेना, ऊपर यहां बैठकर झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। और आप शक्ल से तो बहुत समझदार दिखते हैं, एक फोन करके बता नहीं सकते थे आप? जी मैं? जी आप। आप मुझे साफ साफ आज बता दें, चाहते क्या हैं आप, क्या चाहते हैं आप? बेटा जी वो ओके अंकल, मैं चलता हूं। कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे? छोड़ के आप जाओ, जाओ। रूमी, कोई मौका महल तो देख लिया करो, तुम हमजा के सामने ही शुरू हो गई। क्या सोचता होगा कितनी लंबी जबान है तुम्हारी? जो सोचता है सोचता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपको सख्ती करनी है तो इन पे करें, मुझ पे मत करें। बेटा जी बात तो समझ लिया थी, जहां सख्ती करनी चाहिए वहां पे तो गौर नहीं करती। वैसे खुदा भी सही साथ दे रहे हैं मेरा, आज अंकल की खिदमत करने का इतना अच्छा मौका मिला। तुम चाहो तो मुझे थैंक यू बोल सकती हो, क्योंकि इस जंग में भी बहुत सिला रहमी का मुजाहिरा किया है मैंने। गेट बंद कर देना। तमीज से बात करो पहले तो, और दूसरी बात ये, अगर चाहो तो कुछ कर सकती हो, लेकिन कर नहीं पाओगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कुछ करो। बहुत बोर हो गया हूं तेरे एक्शन करते करते। लौते बेटे की ना फातिहा पढ़ ले, बेचारे ससुराल को प्यारे हो गए। जोया, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। अरे तो ठीक तो कह रही हूँ मामा, यहाँ पर कभी उठकर पानी नहीं पिया इन्होंने और वहाँ बैठ के चाय बना रहे हैं, वेरी नाइस। जोया वो मुझसे बहुत बड़े हैं। अच्छा लगता है इतने बड़े जाके मेरे लिए चाय बना रहे होते।
बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस वेरी नाइस, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा ऐसे छोड़ो, ये बताओ कि उनकी तबीयत अब ज्यादा तो खराब नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर कह रहे कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, बस ये है कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा। अब किस बात पे हंस रही हो? नहीं नहीं मामा, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि लास्ट टाइम डैड को और आपका चेकअप कब करवाया इन्होंने? बेबी आपको किस लिए इतना खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं हम लोग? यार राइट, आई एम द ओनली डॉटर ना। वैसे मामा मैं ये कह रहा था कि अगर आप उनको फोन कर लेती और उनसे उनकी सेहत पूछ लेती अच्छा रहता। वाओ वाओ वाओ, सो कंसर्न, कितने अच्छे दामाद हो, सच अ नाइस बॉय। जोया अब मामा क्या है, तंग कर रही थी ना इनको, मुझे फ्रेंडली होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अब तुम मुझे ना बनाना कॉफी बनाते बताना मुझे सुबह। ये मेरा चिता भाई, इसको संभाले और इसकी दवा टाइम पे दे दिया करें इसको कभी। हाँ पानी तुम पे लाना, हाँ प्लीज। चुप हो जाओ। सॉरी इट्स फनी, बहुत बोलने लगी बस आज। नाराज है मुझसे? चाय यहाँ से यार, अब्बू मूड खराब है मेरा। I'm sorry बेटा जी, गलती हो गई, माफ कर दे। अब देखिए ना, ऐसे नाराज होकर रुखसत होंगी इस घर से क्या? कोई जरूरत नहीं इनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की। और आप अपने दिल से यह ख्याल निकाल दें कि यहां से कोई भी रुखसत होने लगे, किसी की शादी नहीं हो रही है। बेटा अब वो ठीक तो कह रही है, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी बेटियों की शादी है, बस काम करने होते हैं बेटा, जिम्मेदारी है, हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रेस, इसमें हिल गया बीपी। मेरा मीटर शॉर्ट मत करें अबू, किस बात का स्ट्रेस है आपको? हमजा बुरा है या अजीम भाई में कोई मसला है? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह मेरे दोनों दामाद बेटों से अच्छे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। तो फिर चिल करें ना यार, मैं ससुराल जाके इस टेंशन में नहीं रह सकती कि आप अपना ख्याल रख भी रहे हैं कि नहीं। चलो ठीक है। हंस रहे हैं आप, मजाक लग रहा है आपको, आपकी सेहत मजाक है, समझाओ यार इनको। अच्छा बेटा इधर आओ, बेटा इधर आइए मेरा बेटा। मेरा वादा है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ना रखे फिर बताऊंगी मैं आपको। जब तुम दोनों अपने अपने घरों में खुश रहोगी ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटा किसको मौत आ गई सुबह सुबह? मैं बोल रही हूँ,
कौन मैं? मैं समन, हमजा की मदर। जी जी आंटी, कैसी हैं आप? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? तुम सो रही थी शायद। नहीं आंटी, मैं तो नहीं सो रही। आप कैसी हैं? ठीक है। कैसे फोन किया? मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारे अब्बू की तबीयत पूछ लूं। अब कैसे हैं वो? जी आंटी सिद्दीकी, आंटी अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बेहतर है पहले से। ये तो बहुत अच्छी बात है। केक कैसा लगा? केक वही जो मैंने हमजा के हाथ भिजवाया था, खुद बेक करके। जी जी आंटी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। होता है ना, कभी कभी लोग कभी पाइनएप्पल ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं, लेकिन क्या बैलेंस किया था आपने, बहुत आला। कभी आप मुझे बनाना सिखाइएगा, बहुत अच्छा था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा सलाम कहना अपनी अम्मी अब्बू को। जी आंटी, अल्लाह हाफिज़। हो गया बेटा? जी अम्मी, बस 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, सदीकी साहब कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम, नमाज पढ़ने गए। सुबह के 2 बज गए, पता भी नहीं चला यार। दोपहर के। हाँ वही। अच्छा सुने, मेरे ससुराल से केक आया था, कहाँ है, बताया क्यों नहीं? ससुराल से? हाँ। अच्छा अच्छा, वो केक फ्रिज में रखा है, हमजा लाया था। इंसान बता ही देता है यार। जी कह दे ये झूठ है। अब क्या हो गया? कह दे ये झूठ है, कह दे ये चॉकलेट नहीं पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है ना? अरे भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये चॉकलेट है या पाइनएप्पल? यार मुझे तो दिखाई दे रहा है ना। अब सर पकड़ कर क्यों खड़ी हो? ठंड हो गए, पानी समझती नहीं है। क्या हौल फौल बोलती रहती हो रूमी, मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की बातें। बहन की हेल्प करो, काम करो घर के। कल तुम दोनों के ससुराल वाले बरी लेकर आ रहे हैं। उनको कहें आज आ जाएं, कल हम बहुत बिजी हैं। अरे पागल हो तुम, कैसे बोल दूं? तो मैं कह देती हूँ। रूमी किसको फोन कर? अपनी सास को। अरे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, वो असल में ना मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। असल में ना हमना के ससुराल से भी कल केक आया था और वो पाइनएप्पल वाला था, तो मुझे लगा कि आपने भेजा। अभी मैंने देखा आपने चॉकलेट केक भेजा है, बहुत मज़े का है, मैंने खाया अभी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा आंटी, मैं एक बात कहना चाह रही थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी क्या आप बरी आज लेकर आ सकते हैं? असल में ना वो मैं और हमना शॉपिंग पे जा रहे थे अब्बू के लिए, तो मैं सोची थी कि कुछ टाइम स्पेंड कर लूँगी इनके साथ। ठीक है, हम कल नहीं आएंगे, आज आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी सी बात थी, हो गया ना,
अब मैंने अपनी सास से बात कर लिया, आप इसकी सास से बात करें, ठीक है? और आज वो लोग आएंगे ना तो उनके सामने यही कह के रख देना, ठीक है? और बीच में से एक चम्मच खा भी लेना ताकि लगे कि मैंने खाया है, मतलब बुरा लगेगा, ठीक है? ओके, बुरी लगता है। सोचा तुम्हें एक खबर सुना दूं। मेरा तो आएगी लेकिन सिर्फ एक और वो होगी तुम्हारी, रूमी की नहीं। सब इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। अरे ऑफिस न जाने का क्या फायदा हुआ अगर तुमने दफ्तर का काम घर पे ही करना था? मैं घर पे भी कुछ नहीं कर रहा था तो सोचा ऑफिस का काम कर दूं। अच्छा चलो रेडी हो जाओ, हमना की बरी लेके जाना है। लेकिन आपने आज ही कहा था कि कल जाना है बरी। अरे जाना तो कल ही था लेकिन तुम्हारी सास की कॉल आ गई थी, कल उनकी कुछ मसरूफियात है। ऐसी क्या मसरूफियात है जिसकी वजह से उनको प्लान कैंसिल करना पड़ा? और अगर करना भी था कैंसिल तो पहले बता। अरे तो अब बता दिया ना, कल भी जाना था तो आज चले जाते हैं, क्या कयामत आ जाएगी? बात कयामत की नहीं, असूल की। एक तो तुम्हारे असूल, देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे कोई हुक्म नहीं दिया, मुझसे पूछा था कि हम लोग फ्री हैं, मैंने हामी भर ली, तो आज चले जाते हैं ना बेटा, इसको अपनी अना का मसला मत बनो। चलो उठो तैयार हो जाओ, ठीक है हम आज ही जाएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। यार बाकी सब अच्छा है लेकिन लड़के ने यह हार बड़ा अच्छा चूज किया। जोए कह रही थी हमजा ने भिजवाया, देखो पहन के देखो। ये सर दफ्तावे की बर्थडे है ना तो सोचा उनको कुछ गिफ्ट दे दो। बहुत प्यारा है, बाकी सब दफ्तावे के लिए स्पेशली नॉट। हैप्पी बर्थडे फॉर यू। तो ये बहुत महंगा है। मैं नहीं रख सकती। बट तुम्हें पता है दिन मेरे लिए कितना कीमती है? अगर ये दिन मेरी लाइफ में ना होता मैं क्या करता? गया। मैं बताती हूँ क्या करते। मेरी जगह कोई और होती और तुम उसे ही दे रहे होते। हमारी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। मेरे मुकद्दर में लिखी गई हो तुम। मैं यकीन से कैसे कह सकता हूँ? मैं यकीन से सिर्फ कह नहीं सकता, मैं इस हकीकत को जीता हूँ। और अगर ऐसा ना हुआ तो? जीना छोड़ दूँ। पागल हो तुम? ना हूँ, रख लो। अच्छा
एक काम करो, ठीक है? मैं तुम्हारे मुकद्दर में हूँ ना, तो इससे मुझे तुम शादी की बात करो। देखो ना, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, ठीक है? लौटा देना बाद में। अच्छा लग रहा है, ये देखो कैसा है, देखो मजे का लग रहा है ना? अच्छी, मतलब तारीफ में भी कंजूसी, सिर्फ अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी, थैंक्स। बेस्ट मिल गई हमें, पूरे दो घंटे लगे थे मॉल में ढूंढते। चेक तो करें जरा। अरे बेटा जी, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? अबू बाद ही मिट्टी साड़ी मेहनत थे। वो जरूरत की क्या बात है, इतनी खुशी से लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये खुशी बरकरार रहे तो इसको शादी वाले दिन पहन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक दफा लटकी अलमारी में तो सालों साल लटकी रहे, हैं? ऐसे ही करते हैं ना। तो सब कुछ अपने बाप के लिए लेकर आई, भूल गई थी कि माँ भी है घर में। पता था मुझे, पता था मुझे ये ताना पड़ना है। लाई हूँ आपके लिए भी, ताकि कहीं आप सदीकी साहब की चीजों को नजर ना लगा। अरे मैं क्यों लगाऊंगी नजर, मुझे चीजों की लालच थोड़ी है। अम्मी तंग कर रही है आपको। बेटा ये तो जब से पैदा हुई है मुझे तंग कर रही है। तो फिर ठीक है, अब जाने लगी हूँ उस घर से, फिर कोई नहीं होगा आपको तंग करने को इस घर में। रोमी शर्म करो बेटा, आप ही इसको साथ। जी जी बैठ जाती हूँ। चलो चलो, देखिए साहब समझा दें इस औरत को, एक तो इनके प्यार में इनका जोड़ा पहने और ये दुश्मन बनी फिर रही है मेरे। हाँ ठीक है, मैं नहीं बात शादी कर ले। जितना कुछ कर रही है ना ये बात साहब आपको पता है, लोग बातें करते हैं ना। करने दो भैया, चलो देखिए आई। डरने की सबसे बड़ी वजह क्या? ये तुम्हारा रिएक्शन। पूरी दुनिया के सामने ऑन करता हूँ मैं तुम। माशाल्लाह बेटियाँ तो आपकी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमना को हम अपनी बहू बनाएं। सब प्लीज मेरे लिए मजाक नहीं है। तो मेरे लिए भी सब कुछ मजाक नहीं है हमना। मेरी बेटी को मुझ पर भरोसा है कि हमने कुछ बोला नहीं, रोकी नहीं हो। मैं उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल उसे ये सारी सच्चाई पता चल जाए। हम सबको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और मेरी बस सिर्फ एक धोखा है आपसे। इस मासूम चेहरे के पीछे धोखे पास है।
मेरी इज्जत का मान रखिएगा। मेरा ये भरोसा और मान ये तरफा तो नहीं है। अगर वो जी गया तो हमारा जीना हराम कर देगा। हम आपकी बेटी के लिए आपने बेटे का रिश्ता लेके आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि हमना का निकाह हो चुका है। हम हमना के लिए नहीं, तुम ऐसा के लिए रिश्ता नहीं करा। क्या तमाशा ये? मैं रूमी की शादी तुम्हारे से होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो रुखसती भी नहीं हुई यार। सब बदल जाएगा रोमी, सब कुछ। घर, रिश्ते, कुछ लम्हे बाद हम एक नई दुनिया में आ जाएंगे, नए लोग। जब मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरी महफूज पनाह गाह छीन ली। अबू का घर, वो चार दीवार जिसमें मुझे महफूज महसूस होता था, मुझे पता है कि उस घर की जगह कोई नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं। और ये भी सच है कि कुछ देर में सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन एक रिश्ता है जो चाहे जो भी हो जाए कोई नहीं बदल सकता, वो है मेरा और तुम्हारा रिश्ता। कुछ भी हो जाए यार, हम हैं ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए। क्यों टेंशन ले रही हो? वो अलग बात है कि तुम थोड़ी इरिटेटिंग हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार भी बहुत करती हो। मैं तो शायद तुमसे मोहब्बत का दाग भी नहीं कर सकती। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे जरा भी और जज्बाती किया ना तो मैं रो दूंगी, और अगर मैं रोई ना तो इस हॉल में देखना कैसा हंगामा होगा। मतलब तुम्हारी सोच है, ठीक है ना? हाँ तो बस ठीक हो जाओ।
हम ना बारात आ गए, हमारे सब मेहमान भी आ गए। ठीक है, ओके। रोना बंद करो, आंसू मेकअप खराब हो जाएगा। उठा जाओ, के प्यारी तो बहुत तगड़ी होगी। खैर, सोचा तुम्हें एक खबर सुना दूं। बारात तो आएगी लेकिन सिर्फ एक और वो होगी तुम्हारी, रूमी की नहीं। सब किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा।